बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूँ साजिद अली। आज से दो दिन कबल सऊदी फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उन गैर मुल्कियों के इकामे, छुट्टी और विजिट वीज़ों में 31 जनवरी 2022 तक तोसी का ऐलान कर दिया है, जिनका ताल्लुक पाबंदी वाले ममालिक से है। इसके बाद एक सवाल बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पूछा गया है, क्या ये मुफ्त तोसी पाकिस्तान और इंडिया वालों को भी मिलेगी, क्योंकि 1 दिसंबर से पाकिस्तान और इंडिया समेत 6 ममालिक से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगे। मगर ये जो तोसी का ऐलान किया गया है, ये पाबंदी वाले ममालिक के लिए किया गया है, जो कि 3 ममालिक अभी भी बाकी हैं। तो इसका जवाब आप लोगों को देते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपका 5 सेकंड का टाइम लगेगा, मगर उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। आपको बताता चले, जो सऊदी हुकूमत ने 25 नवंबर 2021 को ऐलान किया था कि पाकिस्तान इंडिया समेत 6 ममालिक से 1 दिसंबर से डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगे, तो ताहाल 1 दिसंबर आया नहीं है और इस फैसले पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। मगर उसके दो दिन बाद 28 नवंबर को सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि पाबंदी वाले ममालिक में जितने लोग हैं उनके इकामों और छुट्टी और विज़िट वीज़ों में 31 जनवरी 2022 तक तोसी मुफ्त तोसी होगी। तो जो पाकिस्तान इंडिया का मुल्क है या बाकी जो 6 ममालिक है, वो तमाम इस ज़ुमरे में आते हैं, ताहाल उन पर पाबंदी आए थे। ये पाबंदी 1 दिसंबर के बाद ख़त्म होगी, लेकिन ऐलान 1 दिसंबर से पहले हो चुका है। यही सवाल जवाजात से भी पूछा गया तो जवाजात ने भी उसका यही जवाब दिया कि ये तमाम ममालिक ताहाल पाबंदी वाले लिस्ट में है। तो ये जो मुफ्त तोसी है, ये पाकिस्तानियों को भी मिलेगी, इंडियन को भी मिलेगी, और इसके साथ जो बाकी 6 ममालिक जो बाकी 4 ममालिक है उनमें भी जितने इकामा होल्डर्स है और विजिट वीज़े वाले हैं, तो उनको भी ये मुफ्त तोसी मिलेगी। जिस वक्त इस मुफ्त तोसी का ऐलान हो गया, तो उसके अगले 1 घंटे के बाद मुझे चंद कमेंट्स मौसूल हुए और उसमें बताया गया कि भाई मैंने तो अभी अपना इकामा चेक कर लिया, उसमें तो मुफ्त तोसी नहीं मिली है। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। उसमें कुछ टाइम लगता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत पहले भी तोसी दी गई है और अब भी इंशाल्लाह उसी सिस्टम के तहत दी जाएगी और ये मरहलावार दी जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत रश बनाना नहीं चाहती, तो शायद इसमें कुछ दिन लग जाए, लेकिन आपको ये मुफ्त तोसी मिलेगी और इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तान और इंडिया वालों इस मुफ्त तोसी में शामिल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।